महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं प्रिया खंडेलवाल प्रिया संघ भोजन चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आपकी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही, बहुत दिन से आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन प्रभु सुन नहीं रहे, तो यह उपाय 21 बेलपत्र से आपको करना है। आपको यह उपाय बहुत ध्यान से करना है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें और बहुत अच्छे से समझें। मैं पूज्य गुरुदेव जी की कथा सुनकर आपको समझाने की कोशिश करूंगी। उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और महादेव के भक्त हैं तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। तो चलिए, आपको करना क्या है, आपको लेना है एक पात्र में जल। आप वो लोटा कोई भी हो सकता है, आपका तांबे का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, किसी में भी आप ले सकते हैं। फिर आपको पहले दिन, ये उपाय पूरा 21 दिन का है तो आप ध्यान से सुनिएगा, आपको पहले दिन एक बेलपत्र लेनी है और महादेव का कोई भी नाम स्मरण करते हुए, कोई भी नाम एक जाप करते हुए उस लोटे में उस बेलपत्र को डाल देना है। फिर किसी भी प्लेट या कटोरी से उस लोटे को ढक देना है। फिर ऐसा ही दूसरे दिन करना है, दूसरी बेलपत्र लेनी है और कोई भी महादेव का प्यारा सा नाम आपको बोलते हुए, स्मरण करते हुए उस बेलपत्र को उस जल में डाल देनी है और उसके बाद उस लोटे को ढक देना है। ऐसा आपको 21 दिन तक लगातार करते रहना है। 21 दिन तक जब आप ऐसा कर लेंगे तो उस लोटे में टोटल 21 बेलपत्र हो जाएंगे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको नाम को रिपीट नहीं करना है, दोहराना नहीं है, हर बार एक नया नाम लें। यदि आप भूल जाएंगे, यदि आपको लगता है कि आप भूल सकते हैं तो आप एक पेपर में नोट कर लें कि हमने कौन सा नाम महादेव का पहले दिन दूसरे दिन लिया। इस तरीके से आप एक लिस्ट बना सकते हैं। ऐसा करने के बाद आपको चले जाना है प्रदोष के दिन। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपको जाना है मंदिर। यदि सोमवार का प्रदोष पड़ता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं पड़ता है तो किसी भी प्रदोष के दिन आप जा सकते हैं। शाम को प्रदोष काल, शाम के समय जब सूरज ढलता है तो 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद होता है, या मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आपको प्रदोष काल में जाना है उस जल को लेकर के, और शिवलिंग पर उस जल को समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, और अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना आप प्रभु के सामने, भोले बाबा के सामने रखिए। और ऐसा उपाय आपको करना है। ये उपाय करके आप देखेंगे कि आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। महादेव की कृपा आप पर जरूर बनेगी। हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।